अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी हाइड्रोजन के चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। हम हाइड्रोजन के चैप्टर में 5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पीरियोडिक टेबल। देन वी हैव टू डू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, किस किस तरह से इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जा रहा है, वो तमाम प्रिपरेशन पढ़ाई जाएंगी आपको। देन द टॉपिक इज एटॉमिक हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये 5 टॉपिक खत्म करने पर हम सेकेंडरी का चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आज से इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके लिए मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर बना दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A मैंने ग्रुप्स बनाए हैं और यहाँ पर मैंने शो किया है कि ये हमारे पास D ब्लॉक है, आप सबको पता है, ठीक है। ये हमारे पास S ब्लॉक है और ये हमारे पास P ब्लॉक है। जो बात मैंने यहाँ समझानी है आपको, ये समझानी है कि स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन होता है, जैसे हम कहते हैं 1A में होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन मैंशन करूँगा तो मुझे यहाँ पर हीलियम मैंशन करना होगा, हीलियम, देन लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पीरियड इधर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इससे हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन पे फोकस रखना है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को नहीं बनाया, ठीक है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हाइड्रोजन को हम पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप हाइड्रोजन को यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जब पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट्स, ठीक है। यानी अगर लिथियम यहाँ पर है और इसके साथ सोडियम है तो ये एक ग्रुप में क्यों है? क्योंकि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आपस में मैच करती है। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को जब हम पीरियोडिक टेबल में प्लेस करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बेस पर भी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को भी देखा जाता है कि आया इसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं या नहीं। जैसे कि इसकी बहुत वैलिड एग्जाम्पल हीलियम है हमारे पास। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैच करती है 2A से, ठीक है। अगर मैं हीलियम की कॉन्फिगरेशन आपके सामने करूँ, ठीक है, तो हीलियम की कॉन्फिगरेशन होती है 1s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1s2 अगर कॉन्फिगरेशन है इसकी, तो ये जो जनरल वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन है वो 2a की है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। बट हम हीलियम को कहाँ प्लेस करते हैं? नोबल गैसेस में, 8a में। क्यों? क्योंकि हीलियम एक गैस है, वो एक मेटल नहीं है। सेकेंड बात यह है कि हीलियम एक नोबल गैस है, इसका मतलब है हीलियम किसी एटम से रिएक्ट नहीं करती, वो रिएक्टिव गैस नहीं है, इट इज इनर्ट गैस और नोबल गैस। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लेस हीलियम इन 8A रादर इन 2A, हालांकि उसकी कॉन्फिगरेशन 2A से मैच करती है। हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में जो यहाँ पर टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन हमने इस तरह से पढ़नी है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो ना जो किसी भी ग्रुप को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, कंप्लीटली रिजेंबल नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 मुख्तलिफ ग्रुप के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी से मैच कर रही होती है, किसी से उसकी जो है प्रॉपर्टीज मैच कर रही होती है। तो वो कौन से 3 ग्रुप्स हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। एक है ग्रुप 1A के हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और प्रॉपर्टीज की बेसिस पर 1A में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बहुत सारी ऐसी बातें जो 1A से उसको जो है वो जस्टिफाई नहीं करती, उसको मिसफिट करार देती हैं हाइड्रोजन को। लिहाजा हम अभी भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए बड़े परेशान रहते हैं कि इसको किस ग्रुप में प्लेस किया जाए। लिहाजा यहाँ पर हाइड्रोजन के चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि हाइड्रोजन 1A में भी हो सकता है, हाइड्रोजन को 4A में भी प्लेस किया जा सकता है और हाइड्रोजन को 7A में भी प्लेस किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर हमने तो हमेशा से ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और वो 1A ग्रुप में आता है, ठीक है। हमने पीरियोडिक टेबल में भी यही देखा है और पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डेप्थ पे जाके स्टडी करें और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद 1A, इट आल्सो रिजेंबल्स विद 4A एलिमेंट्स एंड इट आल्सो रिजेंबल्स विद 7A एलिमेंट्स। इसका मतलब है हाइड्रोजन कम्प्लीटली किसी भी एक ग्रुप से रिजेंबल नहीं करता, जबकि वो इन 3 ग्रुप से रिजेंबलेंस रखता है।
आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ना है, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने यही पढ़ना है कि ऐसी क्या क्या पॉइंट्स हैं, ऐसे क्या हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स हैं कि जो शो करते हैं कि हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस इन 1A और हाइड्रोजन मस्ट नॉट बी प्लेस्ड इन 1A, यानी इसकी जस्टिफिकेशन बतानी है हमें कि 1A में क्यों होना चाहिए हाइड्रोजन, एंड देन इसके मिसफिट बताने आपने कि 1A में हाइड्रोजन को क्यों नहीं होना चाहिए। देन इसी तरीके से आप 4A के बारे में बताएंगे कि 4A में हाइड्रोजन क्यों होना चाहिए एंड देन क्यों नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप 7A के बारे में जस्टिफाई करेंगे कि ये कुछ जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं कि इस वजह से हाइड्रोजन को 7A में प्लेस होना चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जो मिसफिट्स होंगे जो ये शो करेंगे कि हाइड्रोजन को 7A में नहीं होना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप इस टॉपिक का पूरा समझ गए कि इसमें हमने करना क्या, ऑब्जेक्टिव समझ गए आप कि हमने इस टॉपिक के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई भी करना है और उसके मिसफिट भी आपने यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें करना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन 1A ग्रुप, इट मींस विद अल्कली मेटल्स। अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर हम हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखें, यानी 1A ग्रुप के मेंबर्स के साथ रखें, तो उसमें क्या जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं कि क्या उनमें प्रॉपर्टीज ऐसी हैं हाइड्रोजन में कि यस इट इज जस्टिफाइड टू प्लेस इन 1A ग्रुप। ठीक है, और उसके क्या क्या ऑब्जेक्शन हैं, क्या क्या हाइड्रोजन में ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इज मिसफिट। ठीक है, मिसफिट है हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 1A ग्रुप में, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हाइड्रोजन को सेटिस्फाई नहीं करती 1A में प्लेस करने के लिए। तो आइए, टॉपिक का नाम है मेरे प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन विद 1A। इसी तरह हम पढ़ेंगे प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन विद 4A एंड देन 7A। तीनों ग्रुप के अंदर हमें बताना है कि क्या जस्टिफिकेशन के पॉइंट हैं, यानी जो रिजेंबलेंस शो करते हैं हाइड्रोजन की विद द एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो जो है ऑब्जेक्शन के पॉइंट हैं जिसमें वो रिजेंबलेंस शो नहीं कर सकता हाइड्रोजन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मेरे पास 1A ग्रुप है कि 1A ग्रुप में कौन कौन सी बातें हैं जो जस्टिफाइड हैं, आइए देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 1A एंड हाइड्रोजन बोथ आर, यानी इन दोनों में तमाम बातें मौजूद हैं मुश्तरका तौर पर। ठीक है, देखिए अब आप इसको, दोनों एलिमेंट 1A के एलिमेंट और हाइड्रोजन दोनों के दोनों आपके पास मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स के दोनों की वैलेंसी प्लस वन है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं यहां पर, तो हाइड्रोजन भी आपको प्लस वन में मिलेगा और लिथियम सोडियम पोटेशियम सब आपको प्लस वन में मिलेंगे। ठीक है, यानी आप इसको प्लस के साइन के साथ देख सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स मोनोवेलेंट है। ये बात जस्टिफाई करती है कि यस हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस इन विद 1A एलिमेंट्स। देन दे बोथ हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की, चाहे वो हाइड्रोजन हो, मैंने हाइड्रोजन की भी कर दी है यहाँ पर, और कोई भी आप रैंडमली उठाएं, सोडियम उठाएं, लिथियम उठाएं, पोटेशियम उठाएं, दोनों में से मतलब किसी भी मेटल में से आप कोई एक मेटल उठा लें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लें, आपको पता चलेगा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपसे कहा था वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, इट मीन्स दिस इज द लास्ट शेल, और ये हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है। तो आप देखें दोनों की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, S1 और S1, यहाँ पर भी S1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पर भी S1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और 1A एलिमेंट्स की दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। ये भी ऐसा पॉइंट है जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस इन 1A ग्रुप। देन वी हैव द लिस्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, आप देख सकते हैं बोथ कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो अल्कली मेटल्स हो, दोनों के दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आयनिक बॉन्ड का मतलब आपको पता है बखूबी कि आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और 1A एलिमेंट्स, 1A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब, यानी अल्कली मेटल्स, आपका आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। देन दे बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन करता है, दूसरी किसी भी आप स्पीशी या रिएक्टिंग स्पीशी है उसको वो क्या करता है, जाके रिड्यूस करता है और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हाइड्रोजन में भी एबिलिटी है और जितने भी आपके पास मेटल्स हैं अल्कली मेटल्स वो सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। देन दे बोथ रिएक्ट विद नॉन मेटल विद सेम रेशो, ये बता रहा है जब बोथ से मुराद 1A ग्रुप के एलिमेंट और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ तो सेम रेशो से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सेम रेशो का मुराद से मुराद ये है कि अगर आप Na को आपने Cl इज द नॉन मेटल, क्लोरीन यहाँ पे आएगा, क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है, अगर सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा,
इसी तरह हाइड्रोजन का जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो HCl बनेगा। सेम रेशियो का मतलब ये है, अगर वन सोडियम है तो वन क्लोरीन, वन हाइड्रोजन है तो वन क्लोरीन, इसका मतलब होता है सेम रेशियो। तो हमने ये सीखा कि हाइड्रोजन हो या वन ए के मेटल्स हो, अल्कली मेटल्स, दोनों जब नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सेम रेशियो में आपस में वो कंबाइन होते हैं। देन दे बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, हाइड्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जितने भी मेटल्स हैं, मेटल के बारे में तो आपको पता है स्पेशलिटी होती है मेटल की, वो सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि जितने अगर हम नॉन मेटल्स देख लो जैसे फ्लोरीन क्लोरीन सब देख लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, जबकि तमाम के तमाम मेटल जो आप जो कि आपके 1A ग्रुप में आएंगे वो सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लिहाजा ये भी वो पॉइंट है जो ये बताता है हमें कि हाइड्रोजन और 1A में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं और रिजेंबल करता है हाइड्रोजन किस तरीके से। आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के में इलेक्ट्रोड डिप्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन इज इवॉल्व एट कैथोड, ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कि हाइड्रोजन कैथोड पे इवॉल्व होता है। इसी तरह अगर हम कोई उसमें वन ए का अल्कली मेटल यूज करें तो अल्कली मेटल भी जो है हमारा कैथोड पे ही डिपॉजिट होता है। शर्त ये होती है कि कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होता है जबकि गैस जो है हमेशा लिबरेट होती है या इवॉल्व होती है, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, चाहे वो अल्कली मेटल्स हो चाहे वो हाइड्रोजन हो। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में दोनों के दोनों कैथोड पे इवॉल्व होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, आई थिंक वी हैव कवर्ड 6 to 7 पॉइंट्स इन जस्टिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन विद 1A मींस अल्कली मेटल्स, या हमने जस्टिफिकेशन के पॉइंट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं ऐसी कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी बिना पर हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन इज मिसफिट इन 1A विद 1A मेटल्स, ठीक है, यानी वो पॉइंट्स जिसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन मुख्तलिफ है, जुदा है 1A एलिमेंट से, मेटल से, जितने भी 1A ग्रुप के अंदर मेटल्स हैं उससे वो अलग नेचर रखता है। आइए पढ़ते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है कि वो बहुत सिंपल पॉइंट है, वो हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है, आप सबको पता है गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है, जबकि मेटल जितने भी हैं चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तमाम के तमाम मेटल्स हमारे पास जो है वो मेटल्स हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट ये उसका मोनोटॉमिक सॉलिड्स। तो दोनों पॉइंट आपको ये साथ ही पढ़ाएंगे, पहली बात हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, इसके बरक्स तमाम 1A के एलिमेंट्स सब के सब मेटल्स हैं। तो ये वो बात है जिस पे आप कहेंगे कि नहीं, हमारा जो मेटल है, हमारा जो हाइड्रोजन है 1A में नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देन हमारे पास पॉइंट है, इट इज़ अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का मतलब है हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक गैस बनाता है, H2 गैस, इट इज़ अ डायटोमिक गैस, जबकि कभी भी आप जिंदगी में Na2 जैसी कोई चीज़ नहीं देखोगे, ठीक है, लिथियम 2 जैसी कोई चीज़ नहीं देखोगे। इसका मतलब है जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते, जबकि वो मोनोअटोमिक सॉलिड्स होते हैं, यानी सोडियम है तो सिर्फ सोडियम में पाया जाएगा और लिथियम है तो सिर्फ लिथियम में पाया जाएगा, एंड इट इज मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मीन्स वन वैलेंसी, मोनोटॉमिक मीन्स हैविंग वन एटम ओनली, ठीक है, डायटोमिक मीन्स 2 एटम मिलते हैं हाइड्रोजन के और गैस फॉर्म हो जाती है। लिहाजा ये भी डिफरेंस है कि ये डायटोमिक गैस होता है हाइड्रोजन, जबकि ये मोनोअटोमिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, वो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जबकि वाटर के अंदर अगर आप मेटल डाल देंगे तो जो अल्कली मेटल्स हैं उनके आयन एग्जिस्ट करते हैं, देयर आयन्स कैन एग्जिस्ट इन वाटर, वाटर में अगर आप डालेंगे तो मेटल्स के आयन एग्जिस्ट करेंगे लेकिन हाइड्रोजन का आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि इट रिक्वायर्स कौन, हाइड्रोजन, चूंकि मैंने हाइड्रोजन का सेक्शन बनाया हुआ है, ये मैंने अल्कली मेटल्स का सेक्शन बनाया हुआ है। वो कहता है इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। अब आप देखें हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, मैं यहाँ पर इसको आपके सामने ही बनाते हैं, कॉन्फिगरेशन करते हैं इसकी और आपको बताते हैं कि इसको कितने शेल्स इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन करके बताएं तो आप कहेंगे सर अगर SPDF में करेंगे तो 1s1 और KLM में करेंगे तो K1, ठीक है, जबकि सोडियम लिथियम किसी भी कर लें आप तो K2L8M1। अब आप मुझे बताएंगे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वैलेंस शेल। इसका वैलेंस शेल है के, के को कंप्लीट करने के लिए आपको दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसका मतलब हाइड्रोजन ओनली रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन, इट ओनली रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अपना वैलेंस शेल जो कि के है, हम सबको पता है कभी भी हाइड्रोजन के पास एल शेल या एम शेल नहीं आ सकता, हमेशा हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उस एक इलेक्ट्रॉन में हम के शेल को ही फिल कर सकते हैं। लिहाजा हाइड्रोजन रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, जबकि जितने भी अल्कली मेटल, चाहे वो लिथियम सोडियम पोटेशियम लाइंस, जितने भी आपके बने एलिमेंटल्स बनेंगे, वो सब के सब अगर आप उनका वैलेंस शेल देखेंगे तो दे रिक्वायर सेवन इलेक्ट्रॉन। देखें एम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इट रिक्वायर्स सेवन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल टू गेट स्टेबल। देखें दे रिक्वायर सेवन इलेक्ट्रॉन्स, इट रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट आउटरमोस्ट शेल, दे रिक्वायर सेवन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। देन हमारे पास पॉइंट नंबर फाइव है, इट कैन फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको, देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बोथ कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये बात तो ठीक है दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, जबकि वन ए के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। अगर मैं सोडियम का तो पता है आपको, जितने भी मेटल्स हैं आपके पास वन ए के, वो सब के सब हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उनमें शेयरिंग की एबिलिटी नहीं होती, वो हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं कि वो फॉरन से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और वो हमेशा कंप्लीट शेयरिंग, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। देयरफॉर दे फॉर्म ओनली आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन जो है वो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, कोवेलेंट भी बनाता है। आप बोलेंगे सर कोई एग्जांपल दे दें कि आयनिक बता दें और कोवेलेंट भी बता दें, तो आइए ये देखें, सोडियम और हाइड्रोजन को मैंने मिला दिया, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, इसे हम टू हाइड्राइड भी कहते हैं और इसको हम आगे आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, उसमें आयनिक हाइड्राइड के नाम से भी ये जाना जाता है। जब सोडियम को मैंने हाइड्रोजन से मिलाया और हाइड्रोजन को मैंने सी एल से मिलाया, आप देखें हाइड्रोजन ने यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की भी किया हुआ है और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। जब हाइड्रोजन सी एल से मिला है तो शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, जब हाइड्रोजन सोडियम से मिला है तो इधर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली दे दिया है और हाइड्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली अपने पास रिसीव कर लिया है। लिहाजा यहाँ पर हाइड्रोजन ने आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इट मीन्स हाइड्रोजन कैन फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है, और कंपाउंड। लास्ट पॉइंट विच इज आईपी, आईपी इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वैलेंस शेल में से जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। वो कहता है कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होती है, जबकि अल्कली मेटल जितने भी हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होती है, ठीक है। क्यों लो होती है इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट में एक शेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, बजाय सेवन इलेक्ट्रॉन लेने के मेटल्स ये प्रेफर करते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, ठीक है। तो लॉस करने के लिए उन्हें एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, लिहाजा दे हैव लो आईपी, बट हाइड्रोजन हैज अ वेरी हाई आईपी। दिस इज ऑल ओवर द टॉप अबाउट प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन विद 1A मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स के साथ अगर हम हाइड्रोजन को प्लेस करें 1A में, जो कि आपके पीरियड टेबल में या आपकी बुक्स में मेंशन है कि हम हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस करते हैं, आज आपको ये पता चला कि 1A में प्लेस करने के बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी हैं और बहुत सी जस्टिफिकेशन भी हैं, ठीक है। आज तक हम या आप स्टूडेंट जो हैं सेकेंड ईयर में पहुँचते हैं, तब तक आपको ये पता होता है कि हाइड्रोजन को हमेशा 1A में रखा जाएगा और वो 1A के लिए सूटेबल है, लेकिन आज आपने देखा कि हाइड्रोजन के 1A में बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी हैं और बहुत सी जस्टिफिकेशंस भी हैं। तो इसका मतलब है आप श्योर नहीं हैं अभी कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए, एग्जैक्टली हाइड्रोजन किससे रिजेंबल करता है, इसका मतलब है आप श्योर नहीं हैं यहाँ पर। अब हम अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन को प्लेस करना है हमने 4A में, 4A के हिसाब से जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे और उसकी ऑब्जेक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल गो टूवर्ड्स द 7A ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अब 4A में अगर हम हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं और क्या उसके ऑब्जेक्शंस हैं। जिस तरह हमने 1A ग्रुप में देखा है हाइड्रोजन को प्लेस करके, इसी तरह हम अब 4A में प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को,
तो ये आपके सामने जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है, देखिए आप 4A की पोजीशन ये है जिसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली, दिस इज 4A। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को यहां प्लेस कर दें, ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पहले हमने 1A में डिस्कस की, देन वी हैव टू डिस्कस इट इन 4A ग्रुप विच इज कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें कार्बन, सिलिकॉन और दीगर एलिमेंट्स यहां पर इस ग्रुप में लाई करते हैं। जस्टिफिकेशन के पॉइंट में कह रहा है कि बोथ, कौन बोथ, एलिमेंट्स ऑफ 4A एंड हाइड्रोजन, दोनों के पास क्या होता है, बोथ हैव हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इसका मतलब यह है कि दोनों, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो 4A के एलिमेंट्स हो, कार्बन, सिलिकॉन एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स हैं 4A के और हाइड्रोजन, सब के सब हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड से क्या मुराद है, आइए देखते हैं, हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, हाफ फिल्ड से मुराद यह है कि हाइड्रोजन के पास जो शेल है वो हाफ फिल्ड होता है। कौन सा शेल है हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा, के शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि पहला शेल है और पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है हाफ फिल्ड है, हाइड्रोजन का जो लास्ट शेल है वो हाफ फिल्ड हुआ है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर मैं कार्बन या सिलिकॉन की बात करूं आपसे, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, बकाया 4 इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे शेल में है। अगर आप इस शेल को फोकस करें, शेल नंबर 2, ये लास्ट शेल है और ये इसका लास्ट शेल है, हाइड्रोजन का लास्ट शेल हाफ फिल्ड है, इसी तरह कार्बन का भी जो लास्ट शेल है, एल इज द लास्ट शेल, सेकेंड शेल विच इज द लास्ट शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, ये भी हाफ फिल्ड है, क्योंकि एल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है, जो उसमें आ सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास या कार्बन फैमिली के तमाम मेंबर्स के पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चूंकि ये 4A में है और 4A का मतलब होता है ग्रुप रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिहाजा हमें पता चला कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाफ फिल्ड है, ठीक है, हमारा शेल जो है लास्ट हाफ फिल्ड है, और हाइड्रोजन का भी जो आखिरी शेल है वो हाफ फिल्ड है, लिहाजा हाफ फिल्ड होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो है वो एक जैसे हैं या एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, और ये पॉइंट जस्टिफिकेशन में आएगा कि यस वी कैन प्लेस हाइड्रोजन इन 4A ग्रुप। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट, बोथ शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट, इट मींस अगर आप कार्बन की बात करो और हाइड्रोजन की बात करो, दोनों पॉजिटिव स्टेट भी शो करते हैं और नेगेटिव स्टेट भी शो करते हैं। इसका मतलब है आपको कार्बन हाइड्रोजन जो है वो प्लस 1 में भी मिलेगा, आपको हाइड्रोजन प्लस माइनस 1 में भी मिलेगा, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट दोनों ये पोजेस करता है। और इसके अलावा जितने 4A के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन एंड सो ऑन, वो सब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट दोनों शो करेंगे, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज दैट बोथ हैव सिमिलर थर्मोडाइनमिकल वैल्यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडाइनमिकल वैल्यूज, इसका क्या मतलब है, एलिमेंट्स ऑफ 4A और हाइड्रोजन दोनों की थर्मोडाइनमिकल वैल्यूज सिमिलर है, ठीक है, यानी एक जैसी हैं, तकरीबन एक जैसी वैल्यूज होती हैं। अब थर्मोडाइनमिकल वैल्यूज क्या होती हैं, आइए ये आपको बताते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दीगर में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीजें आपकी आती हैं थर्मोडाइनमिकल वैल्यूज में, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों चीजें आपने फर्स्ट ईयर में कवर की हैं और इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ब्लॉक वाइज पढ़ाया जाएगा, एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में भी। होती क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की भी ये तीन वैल्यूज होंगी कुछ ना कुछ, और 4A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में, ये वैल्यूज आपस में सिमिलर हैं, लिहाजा ये भी वो पॉइंट है जो जस्टिफाई करता है कि यस वी कैन प्लेस हाइड्रोजन इन 4A ग्रुप। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट बोथ कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है और हाइड्रोजन भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था। एंड द लास्ट वन इज बोथ आर नॉन मेटल्स, कार्बन भी, कार्बन फैमिली के जितने मेंबर्स हैं आपके पास वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और जो है हाइड्रोजन हमारे पास वो भी नॉन मेटल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जस्टिफिकेशन के 4 to 5 पॉइंट्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्शन, व्हाट आर द ऑब्जेक्शन ऑन हाइड्रोजन टू बी प्लेस इन
फोर ए ग्रुप, क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं इसके अंदर। हाइड्रोजन एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक क्योंकि उसकी जो कॉन्फिगरेशन है वो एस पे खत्म होती है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फिगरेशन लिखूँ तो ये लिखी हुई ऑलरेडी कि हाइड्रोजन की जो कॉन्फिगरेशन है वो 1s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ रहा है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। जबकि यहाँ पे देखें कार्बन या कार्बन के जो तमाम एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप में, उन सब की जो कॉन्फिगरेशन है जनरल वो है NH2NP2। चूंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिहाजा 4 इलेक्ट्रॉन में 2 एस में जाएंगे, 2 पी में जाएंगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है जिस ऑर्बिटल में, वो ब्लॉक कहलाता है। लिहाजा 4a के तमाम एलिमेंट्स जो हैं पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा पहला पॉइंट मेरा ये है कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एंड एलिमेंट्स ऑफ 4a बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले ग्रुप के अंदर जब हम का पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन डायटोमिक गैस फॉर्म करती है, यानी H2 की फॉर्म में एक गैस प्रोड्यूस करती है। जबकि 4a के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास मोनोएटॉमिक सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। देन हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी +1 होती है, मोनोवेलेंट है। जबकि जितने भी हमारे पास 4a के एलिमेंट हैं वो सब टेट्रावेलेंट है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और दरकार होते हैं। या तो वो 4 रिसीव कर लें या वो 4 डोनेट कर दें, इसका मतलब है वो हैं क्या, टेट्रावेलेंट। उनकी जो वैलेंसी है वो +-4 हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, उसमें लिखा है इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल और टू बी स्टेबल। बट अगर आप 4 एलिमेंट्स को देखें तो 4a ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। ठीक है, चूंकि उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लिहाजा उसको फिल करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए आउटर मोस्ट शेल को हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे। लिहाजा मैंने लिखा है दे रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। और लास्ट पॉइंट जो कि आपको पहले ही समझा चुके हैं हम कि वैलेंस शेल कॉन्फिग्रेशन हाइड्रोजन की ये होगी, जबकि तमाम 4a एलिमेंट्स की आपके पास NH2NP2 होगी। लिहाजा ये भी एक डिफरेंस है जो कि आपको बताता है कि हाइड्रोजन इज डिसिमिलर एलिमेंट फ्रॉम 4a एलिमेंट्स। लिहाजा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 1a की भी हमने जस्टिफिकेशन एंड मिसफिट्स या ऑब्जेक्शंस कर लिए हैं हमने, और 4a की भी हमने जस्टिफिकेशंस और मिसफिट्स यहाँ पर ख़त्म कर लिए। अब हम जाएंगे हमारा लास्ट जो पार्ट रहा है इस टॉपिक का, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का, विच इज 7a ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे के प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन विद 7a ग्रुप। इसी तरह पहले हम इसकी जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन विद 7a। देख सकते हैं आप, जैसे हमने 1a में प्लेस किया हाइड्रोजन को, देन हमने 4a में प्लेस किया हाइड्रोजन को, अब हम प्लेस करेंगे 7a में हाइड्रोजन को। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें भी हम फिर से ये देखेंगे कि हाइड्रोजन में और हैलोजन्स के अंदर, 7a को हम हैलोजन्स कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन में और हैलोजन्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या जस्टिफिकेशन है कि हम हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं 7a ग्रुप में, और क्या उसमें डिसिमिलरिटीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन मिसफिट है यहाँ प्लेस करने के लिए। ठीक है, आइए नंबर 1 से पढ़ते हैं, और कुछ पॉइंट्स आपको, अब चूँकि हम दोनों टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं आपसे, 1a भी डिस्कस हो चुका है और 4a भी डिस्कस हो चुका है, तो बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों के जहन में पहले से ही क्लियर हो चुके होंगे कि 7a में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होंगी और क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ होंगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दोनों, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो हैलोजन्स हो, दोनों के दोनों आपके पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स होता है, मेटल होता है, और हैलोजन्स तमाम के तमाम नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा दोनों के दोनों डायटोमिक हैं। डायटोमिक का मतलब है हाइड्रोजन भी आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा, और हैलोजन्स की बात करें तो हैलोजन्स भी आपको Br2, I2, Cl2, यानी हैलोजन्स आपको डायटोमिक फॉर्म में। अगर हैलोजन को मैं X से शो करूँ, X इज अ सिंबल और द रिप्रेजेंटेशन फॉर हैलोजन्स, तो ये भी डायटोमिक फॉर्म में मिलेंगे और हाइड्रोजन भी आपको डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों इसकी सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, देन वी हैव बोथ आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मीन्स कि उन दोनों की वैलेंसी 1 है। ठीक है, यानी बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। यहाँ लिखा भी हुआ नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर, हाँ ये रहा, बोथ रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके के शेल में,
एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए मैं हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन कर रहा हूँ K1, ठीक है। जबकि अगर मैं Cl की 17 Cl इसकी कॉन्फिगरेशन करूँ तो आप देख सकते हैं K2 L8 M7, ठीक है। चाहे वो हैलोजन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, दोनों को अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दरकार होता है। देखें, वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। कैसे? K में अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही K2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह M में अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो M8 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे डुप्लेट रूल फॉलो होगा, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, ठीक है। यानी ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा। लिहाजा दोनों को, चाहे वो हैलोजन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, दोनों को क्या कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। देयरफॉर दे आर ऑल्सो सेट टू बी मोनोवेलेंट। वो मोनोवेलेंट है, उनकी वैलेंसी सिंगल होती है। देन हमारे पास जो है वो फोर्थ पॉइंट ये कहता है, तीन पॉइंट नंबर चुके हैं और इसके अलावा ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। देन वी हैव बोथ कैन फॉर्म आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड्स, ठीक है। यानी हाइड्रोजन भी हमारे पास, मैं आपको पहले 1A ग्रुप में मेंशन कर चुका हूँ कि हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है और आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। इसी तरीके से Cl, अगर मैं हैलोजन्स की बात करूँ तो हैलोजन्स भी कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं और आपके पास आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं क्लोरीन अगर H से मिलेगा और क्लोरीन अगर Cl से मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे देख सकते हैं आप आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब है जो हैलोजन्स हैं वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और हैलोजन्स आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की जाने, विच इज बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, और लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं हैलोजन की बात करूं और मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट वो नेगेटिविटी शो करता है क्योंकि हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज भी आयन भी बनाता है और पॉजिटिव आयन भी बनाता है। यहाँ पर मैंशन भी किया हुआ मैंने कि दे बोथ कैन फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है। वो दोनों नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, यानी हाइड्रोजन माइनस में भी मिलेगा आपको और हैलोजन तो होते ही माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं और आखिर में आपको बताया कि ये दोनों आपके पास नेगेटिव आयन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो 5-6 पॉइंट आपसे डिस्कस किए हमने, ये सब के सब जस्टिफिकेशन को शो करते हैं कि वाई वी शुड प्लेस हाइड्रोजन इन 7A ग्रुप, ठीक है, विद हैलोजन्स। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्शन, क्या क्या इसमें मिसफिट्स हैं और क्या इसमें डिसेबिलिटीज हैं कि हाइड्रोजन को हम प्लेस नहीं कर सकते। नंबर वन इज दैट विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ 4A ग्रुप, कि हमारे पास फिर से हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है और आपके पास जो हैलोजन्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो पी ब्लॉक में आता है हैलोजन और हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, चूंकि इसकी कॉन्फिगरेशन एस पे एंड होती है। देन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन में एबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जबकि दे कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हैलोजन्स नहीं बना सकते कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। आप अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल ले सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि क्लोरीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। देन हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि हैलोजन जितने भी हैं उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर क्लोरीन है तब भी 7 होंगे, अगर ब्रोमीन है तब भी 7 होंगे, फ्लोरीन है तब भी आपके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन आपके पास ये पॉइंट, हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन भी बनाता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। इट कैन डोनेट डोनेट एंड एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन हैलोजन कभी भी आपके पास पॉजिटिव आयन नहीं बना सकते। हैलोजन हमेशा क्या बनाते हैं? दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन, बट हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ पॉजिटिव आयन एज वेल एंड नेगेटिव आयन एज वेल, ठीक है। एंड देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1, जबकि तमाम हैलोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सब की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास NH2NP5 होती है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक भी
ख़त्म होता है। इस टॉपिक के हवाले से स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो, आप काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके उस क्यूरी के साथ नेक्स्ट टाइम आ सकें और आपकी क्यूरी को हम हल कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तब भी याद दें, नेक्स्ट क्लास में हम इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।